चलो चलो गाइस, मैं निकल रहा हूँ घर से, सीधा भी जाएंगे उज्जैन। सो फिलहाल एज ऑफ नाउ कहने जाए तो सोलो राइडिंग ही है मेरा, क्योंकि वो लोग तो निकल चुके थे। फिर 10 बजे मैंने फ़ोन किया था तो वो लोग करजन पहुँचे थे, तो शायद मैं पहुँचूँगा तब तक वो लोग उज्जैन पहुँच जाएंगे। सो उसमें से दो लोग है, दो लोग में से एक को पता है मैं आ रहा हूँ, एक को मैंने मना किया कि उसको मत बताना, क्योंकि वो डिसअपॉइंट हो गया था, मेरा तबीयत बिगड़ गया था तो इसलिए। सो गाइस, यहाँ से 502 किलोमीटर है उज्जैन, और हम जाएंगे यहाँ से भरूच बड़ोड़ा, बड़ोड़ा से दाहोद गोधरा होके हम एमपी में निकल जाएंगे। सो 9 आवर्स 42 मिनट दिखा रहा है, 10:14 पे पहुँचूँगा मैं वहाँ पे। ये रोड का काम चल रहा है इसलिए बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। ये देखो गाइस, छोटे बच्चे, बाय। सो गाइस, तकरीबन मैंने घर से 90 किलोमीटर काटा है। तो निकलते हैं होटल रिलीज से, बढ़िया सा खाना खा लिया, अभी टेंशन नहीं है। जो दो लोग मेरे फ्रेंड जो है ना, दीप और जयेश, जयेश भाई को पता नहीं है मैं आने वाला हूँ, दीप को पता के बता के रखा है मैंने कि मैं आ रहा हूँ, तो वो थोड़ा हैंडल कर लेगा, क्योंकि जयेश भाई का थोड़ा मूड डाउन हो गया था, मेरा कैंसिल हुआ था इसलिए। लेकिन फिर मैं सुबह उठा, थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैंने सोचा चलो निकल ही जाता हूँ, 2-3 घंटे लेट पहुँचूंगा उनसे। तो चलो गाइस, अभी चलते हैं महाकालेश्वर शिव जी के पास। जय भोलेनाथ। खाना बहुत अच्छा था गाइस, और बहुत ही बजट फ्रेंडली था। आप यहाँ पे आओ, बड़ोड़ा से तकरीबन 15-20 किलोमीटर काटोगे ना तो ये होटल आ जाएगी, होटल रिलीज नाम है, और खाना एक नंबर है। मेरा सब्जी रोटी, 3 रोटी सब्जी और छास और पापड़, इतने का बिल आया 200 रुपये, नॉट बैड। सो गाइस, इस तरफ आया तो एक बार वेज इधर ज़रूर ट्राई करना। सो गाइस, आगे अभी गोधरा आएगा, गोधरा अभी 31 किलोमीटर बाकी है, और वो गोधरा सिटी में नहीं जाना वो। सो बाईपास के लिए हमको गोधरा से पहले राइट मारना पड़ेगा, तो अभी तो 30 किलोमीटर बाकी है, बाद में हमको राइट मारना पड़ेगा। और गाइस, ये यही रास्ता है जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ, स्पीति के टाइम पे भी यूज़ किया था, अभी ले गया था तो ले के टाइम पे भी यूज़ यही रास्ता किया था आने के लिए। लिए की सीरीज़ अभी चालू होगी गाइस, तो आप वो ज़रूर देखना। और ये देखो MG का मैन्युफैक्चर प्लांट, ये यहाँ से लेके वहाँ तक है, मोरिस गराज। सो अभी प्लान ये है कि मेरा वहाँ पे बुकिंग वो कर देगा, और सीधा मैं वहाँ होटल पे ही पहुँच जाऊँगा, और कल हम मंदिर के दर्शन करेंगे, और कल भी हम लोग वहाँ पे ही रुकने वाले हैं, परसों हम घर के लिए निकलेंगे। अभी थोड़ा मेरा इंदौर जाने का प्लान है, देखते हैं जो सेटल होता है, तो इंदौर जाने का प्लान है मेरा। मेरा एक फ्रेंड है, उसको मिलना है, और एक बंदा है जो हमारे यहाँ नवसारी में पहले अंडे की शॉप चला था, मतलब लारी चला था वो, तो G3 ऑमलेट करके था उसका नाम, तो वो ओरिजिनल अभी तो किसी और को बेच के, वो खुद इंदौर का था तो इंदौर चला गया था, और वहाँ पे उसने G3 करके खुला हुआ है, तो उसको भी मिलना है मेरे को। तो अगर टाइमिंग का कुछ एडजस्ट होवे तो 100% मैं इंदौर जाके आएगा। रास्ते देखो गाइस, रास्ते देखो, बढ़िया। अभी 222 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, 4 घंटे 31 मिनट दिखा रहा है, और अभी आएगा दाहोद,
और उसके बाद हम एमपी के बॉर्डर में एंटर हो जाएंगे। सो गाइस, फाइनली मैं एमपी के बॉर्डर में एंटर हो गया और गुजरात को पीछे छोड़ दिया। बाय बाय गुजरात, परसों मिलेंगे वापस। अभी यहाँ से 167 किलोमीटर है जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ एमपी में, उज्जैन में होटल। और ये 10:03 दिखा रहा है वहाँ पहुँचने का। भोले बाबा के नज़दीक जा रहा हूँ मैं। जय भोलेनाथ। सो गाइस, यहाँ से दो रास्ते पड़ते हैं। एक ये जो हम जाने वाले हैं, ये लेफ़्ट की ओर जो जा रहा है, और एक ये राइट की ओर जा रहा है। ये नेशनल हाईवे नंबर 47 है जो हम कंटिन्यू आए ये, लेकिन ये वाला जो इंदौर जाएगा, लेकिन वो हाईवे पे इश्यू ये है कि वहाँ पे काम चल रहा है और 40 किलोमीटर का अपने को लंबा पड़ेगा और ये सिंगल पट्टी है। सो हमको थोड़ा वो शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन संभल के जाना पड़ेगा। सो गाइस, ये बीच में मैं किधर रुका हूँ, बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखो, ये पूरा ब्रिज है और यहाँ पे देखो ये नदी जा रही है। और ये लोग बंदे मेरे थोड़े फिटे फ़ोटो खींच लिए इन लोगों ने, और मेरी बाइक के साथ ये लोग फ़ोटो खींच रही है। ये देखो, देखा क्या नाम है आपका? मनीष। ये भाई मनीष, और आपका? लखन। इसका नाम लखन। सो ये भाई साहब ने मेरे फ़ोटो खींच दिए, थैंक यू। और ये अपनी आयरन हॉर्स खड़ी है, उसके साथ ये लोग फ़ोटो खींच रही है। मैं भी ये फ़ोटो सेशन ख़त्म करके निकलने वाला हूँ। सो ये फ़िलहाल मेरे फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें एक फ़ीचर्स है, ये फ्रंट का भी कैमरा ऑन हो जाता है रियर के साथ। सो सही फीचर्स है। तो चलो, तो गाइस मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ आपको सीधे बाइक पे। बाय बाय। मैंने फ़ोटो खींच लिया, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और सो अपनी आयरन हाउस भी फेमस हो गई यहाँ पे, सब लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे। सो चलो गाइस, अभी अंधेरा होने वाला है और संभाल के जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि थोड़ा सुनसान रास्ता है, ऐसा बोला है मेरे कज़िन और वो मेरे फ्रेंड ने। क्या, अरे वाह, ये देखो गाइस, डक। वो गाइस सामने देखो व्यू, ऑसम। सो यहाँ से 147 किलोमीटर है और 3 घंटे 16 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। 10:15 तक पहुँच जाऊँगा मैं, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये आप ग्रीनरी देखो गाइस, सो ऑसम, वाओ। Oh, beautiful, so great. Whoa, एक तो फोटो बनता है यहाँ से बॉस। एक पेट्रोल पंप सर्च किया है क्योंकि मेरे में पेट्रोल अब ख़त्म होने वाला है ऐसा लग रहा है मेरे को। 1.3 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल भरवा दूंगा। और ये रास्ता देखो गाइस, बहुत ही सुनसान, कोई नहीं है इधर। सो आ गया पेट्रोल पंप पे, इंडियन ऑयल का पंप है। हेलो गाइस, 66 किलोमीटर बाकी है अभी उज्जैन, एंड 1 घंटा 24 मिनट दिखा रहा है। सो गाइस, अभी पहुंचने वाला हूं, 12 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। यहां से मुझे राइट मारना है, यस, महाकालेश्वर के लिए सीधा। अभी मेरी होटल है इस तरफ, ये चिंतामन गणेश मंदिर वेधशाला जंतर मंतर। चलो गाइस, अभी 900 मीटर ही बाकी है,
सो यही लाइन में होटल है, अभी कहाँ है वो देखना पड़ेगा। तो अभी देते हैं जयस भाई को सरप्राइज। चलो गाइस, हो गए। मजा आई भी आखा आखा व्लॉग नहीं यार आपने। गाइस ये है हमारा होटल और पार्किंग हम अंदर करने वाले हैं।